आज से लागू हुए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। ये कानून भारतीय दंड संहिता IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं। 12 दिसंबर 2023 को इन तीन कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि तीन नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। तीन नए कानून में क्या क्या? IPC में 511 धाराएं थी, BNS में कुल 357 धाराएं। नए कानून में राजद्रोह को देशद्रोह परिभाषित किया गया है। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर ज्यादा जोर। पीड़ित कहीं भी FIR दर्ज करा सकेंगे। हत्या, लूट या रेप मामलों में EFIR हो सकेगी। भगोड़े अरबपतियों की संपत्ति जब्त होगी। FIR, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट डिजिटल, तलाशी, जब्ती में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। 12 साल से या कम पर रेप पर न्यूनतम 20 साल की सजा। चुनावी अपराध को धारा 169-177 तक रखा गया। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान। नए कानूनों के तहत BNS के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है। मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताना चाहता हूं। आरोपी को आज पुलिस ने कस्टडी में लिया, कोर्ट ने रिमांड दे दी और आरोपी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और 15 दिन तक अस्पताल में रहेगा तो क्या इसकी पूछताछ ही नहीं होगी? पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन की अपर लिमिट के अंदर, 60 दिन की अपर लिमिट के अंदर पुलिस इसका रिमांड ले सकती है। तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर एक या दो टुकड़ों में 15 दिन की रिमांड ले। देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है, जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। बता दें कि नया कानून पहले से ज्यादा सख्त और ज्यादा प्रभावशाली है। यानी कुल मिलाकर अब न्याय की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त तो होगी ही, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा अब अपराध के तहत न्याय भी मिल सकेगा।